पॉइंट मिला आपको यहाँ पर रोजी रोटी करने का, क्या कहेंगे हिल स्टेशन बनाने वाले के बारे में? उसके बारे में अच्छी बात है, होना चाहिए, होना चाहिए, पब्लिक के लिए, घूमने के लिए जगह मिल गई, अच्छी बात है। अच्छा लोगों यानी कि एक मेरे साहब ने एक नया चीज़ दी है लोगों को शहर का, नेक्स्ट टाइम उनको मौका देना चाहिए।
अब घूमने फिरने का सबसे बहुत अच्छी चीज़ है, मगर पानी की और खाने पीने की थोड़ा सा साय के लिए थोड़ा बहुत हाँ हाँ हरियाली वगैरह तो बारिश होगी तो हो जाएगी, लेकिन थोड़ा पेड़ पौधे बहुत अच्छे हैं। क्या कहेंगे जो जो काम करवा रहे हैं किसी ने पास करके लाया है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम किया गांव में जो पॉइंट बनाया, बस पानी का नाम बता जो घूमने का पॉइंट हमारे गाँव शहर में जिस पर मैं समझता हूँ जिस लीटर ने इसको लाया है ऐसे लीटर की शहर में जरूरत है। और नौजवान तबका जो है उनकी सोच बदल चुकी है, शहर में तरक्की चाहती है और ऐसे काम काज होना चाहिए और ऐसे क्या कहेंगे एमएलए साहब के बारे में जो बनवा रहे हैं? काम तो एकदम बढ़िया हुआ है, काम बढ़िया हुआ है, एक नयापन है, हम इसे ये समझे कि शहर में डेवलपमेंट की शुरुआत हो रही है, एक जरिए से वही माना जाएगा ना कि डेवलपमेंट की कुछ शुरुआत तो हो गई है, मतलब नेक्स्ट टाइम मौका देना चाहिए उनको। क्या कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा, तीन बार आ चुकी यहाँ पर, से जाने का मन भी हो रहा है। अच्छा क्या कहेंगे एमएलए साहब के बारे में, उन्होंने बनाया ये उनके एमएलए फंड से, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छा काम। नेक्स्ट टाइम उनको मौका देना चाहिए क्या? मगर कहीं कुछ नहीं था और एक चीज़ बनी उसके लिए, हाँ वो अच्छा था, गांव में ये एक चीज़ अच्छी हुई कि यहाँ इतने बहुत बड़े पैमाने पे एक अच्छी चीज़ बनी है पहली मरतबा। क्या कहेंगे हम आपने आसिफ साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं कि अबे मैं भी आना यार उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि यहाँ पे आए और इतना बड़ा काम किए और मालेगांव को एक अच्छी चीज़ दी है, यहाँ पे बहुत से लोग तफरी के लिए आ रहे हैं। और आप कब से आए हैं यहाँ पर? तो कैसा लगा यहाँ पर आने के बाद? अच्छा लग रहा है ना। अच्छा तो ये बना रहे हैं मालेगांव के आमदार आसिफ शेख साहब, क्या कहेंगे उनके बारे में? उनके बारे में ये कहेंगे कि इस तरीके से मालेगांव के लोगों की खिदमत करना और मालेगांव वाले जैसे बाहर जाते हैं उससे बेहतर है कि अपने गाँव में या अपने गाँव के करीब इस तरह के घूमने के पॉइंट होना चाहिए। बहुत अच्छा किया, मैंने आकर देखा तो इनको यही कहा, हमारे ये नहीं ये हमारे साड़ू है, इनको कहा कि भाई बाहर का नक्शा नज़र आ रहा है उनको। अच्छा इस तरह जो चीज़ें वेस्टेज है यानी जहाँ घूमने का पॉइंट उसको बना देना ताकि लोगों को मतलब थोड़ा सुकून के साथ बैठ सके और इन्जॉय जिसको कहा जाता है इन्जॉय कर सके। अच्छा नेक्स्ट टाइम में आवाम क्या नेक्स्ट टाइम में उनको मौका देना चाहिए एक बार फिर, एक मरतबा फिर उनको मौका देना चाहिए? एक बार नहीं कई बार मौका देना चाहिए, इस तरह अगर कोई गांव के साथ यानी गांव के साथ हमदर्दी रखता है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत बहुत बार बार मौका देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कब से आए आप लोग यहाँ पर घूमने? 6 बजे तक, तकरीबन आधा एक दो घंटा हो चुका है। अच्छा एंजॉय किया आप लोगों ने यहाँ पर? बहुत ही मज़ा आया हमको यहाँ पे और हमें सारे दोस्तों को बहुत मज़ा आया और हम सारे दोस्तों हमारे ग्रुप का नाम केजिन ग्रुप है, हम बहुत ही दूर से आए, हम सारे ग्रुप की तरफ से अपने गांव के एमएलए शेख आसिफ को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो उन्होंने हम गांव वालों के वास्ते इतने अच्छे घूमने का पॉइंट बनाया है और अपने गांव से बहुत ही करीब है और इसकी वजह से अपने गांव के लोगों को अच्छा मज़ा आ रहा और करीब में जवानों को सबसे मेन बात तो यह है कि जवान बाहर गांव जाने से बच रहे, जो अपने गांव से दूर जाते थे जैसे चांदोड़ हो गया शिवपुर हो गया इधर जाने जाते थे तो आसाद का खतरा रहता था और होते भी थे, इस वजह से वो सब खत्म हुआ और अपने गांव के करीब एक अच्छा घूमने का पॉइंट बना। हम आसिफ शेख का शुक्रिया अदा करते हैं और उनसे उनसे यही उम्मीद रखते हैं कि आगे भी ऐसी कुछ पॉइंट बनाए अपने गांव में, अपने गांव के लिए तरक्की की उम्मीद है हमारे से और उनसे है और करेंगे। नेक्स्ट टाइम उनको मौका देंगे आप लोग एक मरतबा फिर? हम उनको भी मौका देंगे और मैं अपने गांव वालों को भी एक चीज़ बोलना चाहता कि जब अपने गांव में ऐसी चीज़ बनी ना तो उसका अपने कदर करो, उसकी इज्जत करो और अपने साफ सफाई का ख्याल रखो।